रिएक्शन देख, क्या हुआ? इतना सारा क्यों डाला पानी दे दे उसे। ये ले फूंक के आ जा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज सचिन औरों के बाल कटने थे तो उन्होंने बुलाया नए वाले को, अपने गली में रहता है, तो घर पे काट रहे बाल बाहर बैठ के। उनके तो अभी काटे मैंने, मैंने तो काटे। आप नहीं काटे? नहीं, मैं तो अभी कटवाए थे। कौन से कटवा रहा है? मम्मी पूरा गंदा कर देंगे। नहीं नहीं, कौन सी कटवाएगा? अभी कुछ भी नहीं है, दाढ़ी वाड़ी भी बनवा ले। हेलो गाइस, मैंने इंट्रो नहीं दिया। मैं सोच रहा हूँ, हाँ संपूर्ण लॉकडाउन में लग चुका है मैं यहाँ पर, कह रहे अभी तक लग गया कुछ दिनों का। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना डेली व्लॉग करा जाए, हो पाएगा डेली व्लॉग? जाना तो मैं कह रहा था आप लोगों को भी सपोर्ट दिखाना है, मतलब हर वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि ये वीडियो या ये व्लॉग कैसा बना, सही बना तो सही, बेकार बना तो बेकार, सही बना तो लाइक कर देना, बेकार बना तो डिसलाइक कर देना, जो दिल करे वो करना, बेकार लगा तो ठेंगा दे देना, ठेंगा डाउन कर देना। पर कमेंट करके बताना भाई कैसे बन रहे हैं, और ये भी बताना पहले कि हम डेली व्लॉग स्टार्ट करें क्या, एक हफ्ते तक ट्राई करेंगे, अगर सही मज़ा आएगा तो बनाएंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी दिन की 1 बज रही है, खाने की तैयारी करते हैं, बहुत भूख लग रही है। यहाँ बन रहा है केले का रायता, और यहाँ नमक पीस रहे हैं, ये क्या नाम है? नमक ही बोलते हैं पहाड़ी नू, क्या बोल रहे थे पहाड़ी में, वैसे बोलना ही नहीं आ रहा। लहसुन नू मतलब इसमें लहसुन मिर्ची धनिया इसको इसके साथ खाओ, खीरे के साथ और उसके साथ, किसी के साथ भी खाओ। नहीं नहीं, नाम नहीं आ रहा, वो तो है ना पीला पीला नींबू है, गोल गोल नींबू भी होता है एक, संतरे के साथ भी खाओ, संतरे के साथ सही लगता है मेरे को तो। रोटी भी खा सकते हैं, सारा जीरा भुनना है और नमक के लिए है, नमक के लिए क्या खीरे के रायते के लिए भी है, नमक के लिए खीरे का रायता तो ना जी, खीरे का रायता मेन है ना, उसकी रेसिपी बताना जरूरी क्योंकि लोगों को कम पता है खीरे का रायता। तो गाइस मिर्ची को अगर ऐसे तल के खाना मजा आता है, ये बताऊँ खाने के साथ। अपने नमक, इतना सारा नमक, बहुत सारा लगेगा, अभी तो बाद में मिलाऊंगी मैं, बहुत सारा है तो। हाँ तो बहुत, ये लो कितना टाइट हो गया है, अब इसको थाली में रख के धूप में सुखाया जाएगा सारा पानी, धूप में नहीं खुले में ऐसे ही हो जाएगा हवा से, इससे इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी, सालों साल चलेगा, नहीं चलता है महीने का, महीना भर चल जाएगा, दो चार महीने हमारा साथ देगा। कहाँ आएगा पता? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सचिन कह रहा है मैं इसको, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, सचिन का खला तो हो गया, इतना भी खा लेगा ना, इससे भी बहुत ज़्यादा हो गया इतना एक साथ, थोड़ा तो खाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा सा देना, इतना फेंकेगा नहीं फेंकेगा, अरे बहुत हिम्मत है, पूरा एक बारी में ओए ओए ओए, रिएक्शन देख, क्या हुआ? इतना सारा क्यों डाला पानी दे दे उसे। ए, 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 ए। ये ले फूंक के आ जा। कहाँ जा रहा है? इससे ज्यादा खाने वाला था तू, अभी तो जीतता ना, तेरा आईफोन पक्का था, आईफोन 11 प्रो 256 GB पक्की बात थी। ब्लॉग में दिखाया मैंने, उसमें इतना सारा नमक डाला था, कैसा लगा? और खा ले इसकी अभी भी हालत खराब हो रखी है। नहीं, खाना खाने के बाद 3 बजे मैं तो सोने वाला था,
डिलीवरी वाले भैया इतना लेट आए, इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या हो सकता है इसके अंदर। बिल्ली फटी है, ये क्या है, देखो कितना दबचुपा रखा है। इसके अंदर एक मैंने मंगाई थी USB टाइप टाइप जो भी नॉर्मल केबल मंगाई थी, जैसे फोटो में देख रहा हूँ उससे अच्छा मटेरियल है। जैसी मैंने मंगाई 150 रुपये महंगी हुई, मैं फ़ायदे मेरा मंगाई क्योंकि इसका साइज 1.5 मीटर, तुम कहीं भी बैठिए कहीं भी मोबाइल चला सकते हैं। ओके गाइस, टाइम हो चुका है लगभग 7 बजने वाले, 10 मिनट बाकी है। आज दिन में सो गया आराम, कल पापा और मैंने डिसाइड करा था आज दिन में सोना ही नहीं है, क्योंकि कल हम रात की 1 बजे उठ के नमकीन खा रहे थे, पापा को नींद नहीं आ रही और मेरे को ज़्यादातर रात में सब बहुत काम करते हैं, नींद नहीं आती ना, रात में दिन भर सोते रहते हैं, फिर रात में उठ के दोनों नमकीनें खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आज फिर सो गए, आज की रात भी ऐसी होने ली। तो आपको याद है मैंने सचिन को वो नमक खिलाया था, तो उसके बाद पता क्या हुआ, वो कह रहा राहुल अजीब सा हो रहा है, भारी भारी लग रहा है, तो मैंने कहा चल आ जाए तो दही खा ले। वो जैसे किचन में आया मैं दही लेने गया, उसने वो वोमिटिंग कर दी किचन में, फिर वहाँ से वो स्टेशन तक जा रहा उसने वहाँ पर भी 2 बार वोमिटिंग कर दी, और बेचारे की हालत ख़राब हो गई। तो अब तो ठीक है, वो पता नहीं कैसे उसने उसकी हालत पता नहीं क्या, फिर बोल रहा तुम्हारे नमक में खराबी है ये वो, अभी तो बाहर अक्षत आ रखा है, चलते बाहर आ रहा हूँ। यहाँ पर गली क्रिकेट चल रहा है, कितने ओवर किए, विकेट का आया लेकिन विकेट नहीं दिख रहा, बॉल ग्राउंड पार गई, बॉल मिली, मैं तो कुछ नई बात भी नहीं, अक्षत तोड़ता ही है। तो ये रहा हमारा हत्ता बैट वाला, क्या है बेकार बैट बॉल खेला, क्या है बेकार, 2 बार बॉल खोई, 1 बार बैट तोड़ा, दूसरी बार बॉल मिली नहीं, अभी भी गायब है, कचरा इतना था बॉल मिलने वाली ही नहीं थी। टाइम हो रहा है 2 बज चुकी है, खाना जल्दी खा रहे हैं, इसी टाइम पे खाते चल रहा, खाने में आज हरी सब्जी आलू की सब्जी और नमकीन, नमकीन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बसती, 24 घंटे लगते नमकीन का पैकेट गायब होने कितनी कोशिश कर लो नमकीन सारे गायब, मम्मी बचाते रहती है, खाना खाने के बाद मिलते हैं। ओके गाइस, खाने वाला हमारा हो चुका है सब, बाहर का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, हवा चल रही है बहुत तेज, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था उसमें बताया भाई छोटे बच्चों को भी कोरोना हो रहा है, पहले बड़ों को हो रहा था छोटों को हो रहा है, कोरोना भी भाई अपडेट होता जा रहा है, सेफ हमें रहना है तो सेफ रहो। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और बताना कमेंट करके कि डेली ब्लॉग बनाएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।